उत्तर प्रदेश में योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने जब मुलायम सिंह के कान में कानाफूसी की तो ये गुफ्तगू हफ्ते भर तक सुर्खियों में बनी रही थी। आज एक बार फिर पीएम की गुफ्तगू सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है और ये हलचल दिल्ली से लेकर बिहार तक मची है, क्योंकि इस बार पीएम ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ कानाफूसी की है, जिसके बहाने सुशील मोदी को तेज प्रताप पर तंज कसने का मौका मिल गया है। दरअसल गुजरात में विजय रूपाणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए पीएम मोदी ने सभी बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उनकी मुलाकात बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से भी हुई। इस मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में हलचल मच गई। सभी के दिलों में ये सवाल हिलोरी मारने लगे कि आखिर पीएम ने सुशील मोदी से क्या गुफ्तगू की। इस मीटिंग के बाद पटना वापस लौटे सुशील मोदी ने इस पूरे सस्पेंस से आखिरकार पर्दा उठा दिया है। ट्विटर के जरिए मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने के बाद पूछा कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से मिली धमकी के बावजूद क्या सुशील मोदी के बेटे की शादी ठीक से हुई या नहीं। पीएम के इसी जवाब का मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आपको बता दें कि 22 नवंबर को बिहार और औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा था कि सुशील मोदी ने फोन पर बेटे की शादी का निमंत्रण दिया है। यह निमंत्रण हमारे परिवार को शादी में बुलाकर बेइज्जती करने के लिए है। हम डरते नहीं हैं, हम वहीं सभा करेंगे और शादी में तोड़फोड़ करेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। वैसे पीएम मोदी की बात का खुलासा करने के बहाने सुशील ने इशारों में तेज प्रताप पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की शादी तो बढ़िया हो गई। लाइव की रिपोर्ट।